आप आइए ना, आप आएंगे जी। सदर जी आपको बलिकार वेलकम इस्तांबुल, कैसा लग रहा है आपको इस्तांबुल? बहुत अच्छा एज यूजुअल। मुझे तो इस्तांबुल आते ऐसे लगता है कि न्यू बॉर्न हो रहे हैं आप, उसकी फिजा में। और जी जी तो मुझे बहुत, और आपसे मुलाकात की तेरी ना आरजू थी, जब हम यहाँ आते थे आपसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी ठीक है, थैंक यू जी। आप यानी कब से आ रही हैं इस्तांबुल? ये मैं दूसरी दफा आई हूं, पहले आ चुकी हूं लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे। अच्छा अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस्तांबुल आपको? ठीक है, थैंक यू। चलो थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेकंड, आप भी यहाँ रहती हैं इस्तांबुल में? नहीं, मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आई हूँ, अभी सेमिनार से निकले हैं। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में सेमिनार था जो बाउडू में, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो इस्तांबुल को कितना अर्सा देख पहले आप आई हैं यहाँ? मैं पहली बार आई हूँ और इस्तांबुल बहुत खूबसूरत शहर है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई यहाँ पर? जी हाँ। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। जी जी सदर जी, जी जनाब जी, क्या हम इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत तरीन मकाम किलाड़े फोर्ट में है हम, जो कि यहाँ का इस्तांबुल का मरूफ तरीन है, जहाँ से बड़े बड़े जहाज चलते हैं और मुसाफिरों के। जी जी, तो बहुत ही एक दिलकश मंजर है, आप देख सकते हैं। आपके लिए ये 8-10 मंजिला होते हैं, समझिए ये शहर का शहर आबाद है। जी जनाब, और यहाँ से ये चलते हैं, तो ये खूबसूरत दिलकश मकाम है। ओके ठीक, थैंक यू जी। जी मैं शाज मलिक फ्रांस से, और अंकरा से हम लोग कोनिया गए, कोनिया से फिर अब इस्तांबुल में, और इस्तांबुल से प्रोग्राम करके हमारे लिए, हमारे एजाज में हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी ने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में हमें जुबराना दिया, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हमें खुशी होती है कि हमें एक अजनबी मुल्क तो नहीं कह सकते, लेकिन एक मुल्क से बाहर, जो पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में, जब हमारी एक बहसियत एक लिखने लिखारी की इज़्ज़त अफजाई होती है और वो हमारी पाकिस्तानी सफारत खाना करे, तो हमें हमारे लिए बहुत एक एजाज की बात है। बहुत जी शुक्रिया जी। बोले आपने पहले तारुफ कराइएगा। जी मेरा नाम हुमैरा इशफाक है, और समंदर पर आना एक बहुत खूबसूरत तजर्बा होता है, क्योंकि इंसान को कुदरत की वसतों का अंदाज़ा जो है वो उसकी इस तरह की फितरत देखकर ही अंदाज़ा होता है जी। वरना इंसान जितने छोटे रोज़न से देखता है कायनात उतनी मुख्तसर नज़र आती है, जितने बड़े रोज़न से देखता है कायनात उतनी वसीतर नज़र आती है। तो समंदर, सहरा, पहाड़, ये कायनात को एक बड़े रोज़न से देखने का एक तरीका है। आसमान, तो यहाँ पर इस तरह से परिंदों को आज़ाद नीले गहरे पानियों में इस तरह उड़ते हुए देखना, ये फितरत के बहुत एक करीब हुस्न को महसूस करने जैसा है, जिसके बारे में मुकालमा नहीं हो सकता, इस समंदर की खामोशी को सुना जा सकता है। राइट ठीक, थैंक यू। जी सदर जी, कैसा लग रहा है आपको मैं इसमें ट्राम में? इतने इतनी इंजॉय कर रही हूँ, मुझे वाकई लगता है कि मैं 5 बरस की हो गई। नहीं, मेरा पुत्र कहता है कि अम्मी आप 5 से एक दिन हो गए, मेरी जिंदगी में वो खुशी है ही नहीं कि आप 5 साल से उतर हो। एक्शन से चलिए।
इंसानों की समझ रहे हैं। Bari karşılamaya adam göndermesin. Şuraya bir adam dikin be. Kadın gidiyor kardeşim. Hayırdır lan. जी सदफ जी मजा आ रहा है। अच्छा शासन सर व्हाट इज योर होटल नेम शासन योर होटल हां योर होटल होटल यस आ जा जी आ जा आजा आजा वेलकम 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 हेलो वेलकम हेलो वेलकम 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 जी सदर जी मैं बेपाया समुंदर हूँ डरू मैं क्यों हवाओं से मैं बेपाया समुंदर हूँ डरू मैं क्यों हवाओं से कि वो भी हुक्म से मेरे बरी है बाद बालों में और हजूर औरत मुकैद आपके हाथों अभी तक है हरम में इश्तहारों में गजल में और फसानों में और मुझे तो मोजिजा कोई बचा लाया सदफ वरना मुझे तो मोजिजा कोई बचा लाया सदफ वरना खींचे थे तीर क्या क्या मेहरबानों की कमानों की जबरदस्त मेहरबानी जी शाह मलिक बताइएगा क्या कहने जा रही हैं आज के इस खूबसूरत मौसम में इस्तांबुल के समंदर में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों के लिए मुझको तेरी याद का कोई मोती का नीला समंदर खंगाल कर
वाह जबरदस्त, मेहरबानी बहुत बहुत। दोपहर की है जी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि समंदर से कहीं ज्यादा इंसान गहरे हैं, उनके दिल गहरे हैं, उनके अंदर क्या छुपा है ये